भाइयों नमस्कार। 27 कट्स और 3 सर्टिफिकेट देने के बाद बड़ी मुश्किल से ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। अब आप पूछोगे भाई 3 सर्टिफिकेट किस लिए, तो टीजर को यू, ट्रेलर को यू ए और फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। अब इस कट्स की वजह से स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भाई, तो पहले हमें अक्षय कुमार शिवजी के रोल में दिखाई देने वाले थे, लेकिन अब अक्षय कुमार हमें शिवजी के एक गन के रूप में दिखाई देंगे। बोर्ड ने और भी कई चीजों को मॉडिफाई किया है, जैसे कि उज्जैन के महाकाल मंदिर का नाम, ट्रेलर में दिखने वाले स्कूल का नाम और कई डायलॉग भी मॉडिफाई किए गए हैं। भाइयों इस बार बोर्ड बहुत अलर्ट मूड में है और मेकर्स ने भी इतने कम समय में एकदम स्मार्टली तरीके से इस ट्रेलर को बनाया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत कम समय में बनाया हो। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ब्रह्मांड में शिवजी दिखाई देते हैं और वो बाबा नंदी से कहते हैं कि मेरे भक्त पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगन में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। फिर उसके बाद ट्रेलर में कांति शरण मुग्धल का कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है, जिसमें आरोपी और फिरियादी दोनों एक ही आदमी है। फिर उसके बाद कांति मुग्धल का साधारण घर दिखाया गया है। उसके बाद एक स्कूल दिखाया गया है जिसके प्रिंसिपल भगवान श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल है। फिर एक ऐसा सीन दिखाया गया है कि जिसमें एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो की वजह से कांति मुग्धल और उनके बेटे की बदनामी हो रही है। फिर अक्षय कुमार की जबरदस्त एंट्री होती है और फिर से कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, जिसमें कांति मुग्धल स्कूल के खिलाफ केस करते हैं और उनके अगेंस्ट एडवोकेट के रोल में हमें यामी गौतम दिखाई दे रही है। अब कांति मुग्धल ने स्कूल के खिलाफ कौन सा केस किया है और भगवान शिव के गन उनकी कैसे हेल्प करते हैं, ये हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे रिव्यू देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।